क्या ले लिया तूने? क्या ले लिया? कौन लाया ये? इसको मैं बांध पे ले आया, बांध पे फोन पे बात करिए। तू बात कर लेना, बात कर ले फोन पे, तेरी वीडियो बना रहा हूँ, फोन पे बात कर ले। किससे बात कर रही है? कर कर बात, कर ले बात। A few moments later. Hello guys, welcome back to my vlog. और तीन चार दिन से तबीयत खराब है मेरी, और अभी हम कर रहे हैं गांव जाने की तैयारी। मम्मी तो आज जा रही है, मैं जाऊंगा तीन दिन बाद। तो पहले से अपना सामान बाहर निकाल के रख लेता हूँ, ताकि बाद में फिर ये ना सोचना पड़े कि भाई ये भूल गया वो भूल गया, इसलिए पहले ही निकाल लेते हैं। कुछ निकाल दिया, अपने ट्राउजर्स, दो जीन्स हैं, ये टी शर्ट, इसको हो गए 4 साल और ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी, इसका कलर बहुत बढ़िया है। ये ले आएंगे ये टी शर्ट, ये सारी टी शर्ट मैंने एक बार भी नहीं पहनी। ये टी शर्ट वाइट, एक और वाइट सैंडो, दो अंडरवियर, न्यू कैप, शर्ट येरी, ये ले आऊँगा, ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट एंड ये ब्राउन शर्ट, 4 शर्ट। इसको अभी सही से तय लगा देंगे और बाकी चार्जर वार्जर, हेडफोन वगैरह और जूते तो है ही। खैर इस कमरे में भी काफ़ी कपड़े मेरे भाई, अलमारी देखो कितनी सारी भरी पड़ी, जीन्स से जीन्स ही जीन्स भरी पड़ी है, ये सारी जीन्स से, ये सारी टी शर्ट कितनी सारी भरी पड़ी, सारे कलर ब्लू बहुत हैं, ग्रीन, येलो, सारे कलर, रेड येलो भाई, इतनी सारी टी शर्ट है भाई। और ये इधर शर्ट रखी है, सॉक्स नहीं मिले मेरे को, सॉक्स कहाँ है मेरे। A few moments later. आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, इनोग्रेशन, ये ITO है। ये हनुमान मंदिर, सुप्रीम कोर्ट, मम्मी जा रही है आज गांव, मम्मी जा रही है गांव और मम्मी की टैक्सी आ चुकी है पौड़ी गढ़वाल के लिए, ठीक है, और गाड़ी बैक हो रही है, मैं दिखाता हूँ, और 3-4 दिन बाद मैं भी जाऊँगा खैरलिंग मेरे के लिए, ठीक है मम्मी, बाय। ये गई मम्मी भाई। भाई स्कूटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, बार बार ख़राब हो जाती है, बार बार इसकी पता नहीं क्या दिक्कत है, ये चलते चलते बंद हो जाती है। अभी भाई इतनी गलत बात कर सही है, तेज मारो किक, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, कैसे लेके जाऊंगा इसको गाँव में। देखो मैं मारता हूँ तेज, अरे डालना पड़ रहा है मेरे को, माइलेज बहुत कम दे रही है गाड़ी में, कुछ कम ही होगी ना। मैं पिछले 1-1.5 महीने पहले अपनी दाढ़ में ना कोने की दाढ़ ना खोखली हो गई मेरी, उसमें मैंने मसाला बनाया था, वो बार बार निकल जाता है उसमें, अभी अगर मैं उसमें मसाला नहीं बनाऊंगा ना तो उसमें ना दाढ़ में ना कोने में खोखली में ना उसमें खाना वाना ना फंस जाता है, तो फिर अच्छा नहीं रहता वो ना, तो अभी जा रहा हूँ मसाला बनाने के लिए। अभी फिलहाल मैं देवली में हूँ, I'm not the only one.
जहाँ पे मैं मसाला बढ़ाने मतलब पहले मैंने अपने दांत में मसाला बढ़ाया था, कोने की दाड़ होती ना वहाँ पे खोखला हो गया था, तो जब खाना खाते टाइम ना उसमें ना खाना फंस जाता था। अब खाना फंसने की वजह से वो खाना जब मैं कुल्ला करता था तो नहीं निकलता था, तो उसमें टूथपिक से वो जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ता था डेली, मतलब जितना बार खाओ ना उतनी बार साफ करना पड़ता था। पर अब मैंने क्या कर दिया, वो जो दांत था ना वो थोड़ा ऐसे कर दिया, मतलब घिस दिया उसको पूरा ही, ठीक है। और भाई इनकी दुकान का मैं दिखा दूँ, संगम डेंटल, संगम बिहार में है ये, मैं रहता हूँ ज्वार पर, ये संगम बिहार में, देखो भाई इस तरह से मशीन रहने की सही करिए। और ये इनका ऑफिस है, और ये बाहर संगम बिहार है, मैं तो खैर जवाहर पार्क से आया हूँ, और ये संगम बिहार की यहाँ पे लोकेशन है इनकी, ये इनका। किसी को भी आना है तो बढ़िया है भाई, अपना बेहतरीन है ये, ठीक है ना। तो अब चलते हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, रुपये की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन नहीं मतलब घर पे क्लास। लिखो, इसको पास से पकड़ो यहाँ से, हाँ अब लिखो, इसको बनाओ ऐसे बनाओ जैसे इसके ऊपर है। अभी ये छोटी है ना तो इसको ज़्यादा समझ में नहीं आती हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ओनली सी जस्ट 3 ईयर ओल्ड एंड सी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग टू हर। क्या देखो, हाँ वेरी गुड, ऐसे यहाँ बनाओ, यहाँ भी बनाओ, सब बनाओ, हाँ ऐसे लिखो ना, ए लिखो, A for apple, हाँ। जैसा आपने देखा मैं दांत का जो कोने का दांत था ना, ये दाढ़ अगल दाढ़ वो ना खोखली हो चुकी थी बिल्कुल, बना ऐसी बात, शाबाश गुड वेरी गुड, खोखली हो चुकी थी, उसमें खाना फंस जाता था, तो बार बार फिर कुल्ला करने के बाद भी वो नहीं निकलता था, फिर टूथपिक से ना वो बार बार, मतलब जितनी बार कुछ भी खाओ तो वो बार बार उसी में फंस जाता था खाना, तो काफ़ी दिक्कत होती थी यार। दिक्कत क्या, मतलब सड़ता था फिर खाना, और क्या, वो पूरा दांत सड़ गया था पूरा। और फिर मैंने उसको, मतलब पहले दो बार मैंने उसमें मसाला भगवाया, फिर मसाला, फिर एक महीने बाद फिर वो मसाला खुद ही मतलब निकल जाता था। और अब की डे आज मैंने उसको पास किया, मैंने बोला भाई दूसरी के पास किया, मैंने भाई वो लगवा दिया मसाला, उसने बोला मसाले से बढ़िया, उसको ना जो दांत सड़ रहा है इसको ना घिस, मतलब पूरा ना घिसवा लो, वो सही रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है, तो अब ठीक है, मम्मी तो जा रही है गाँव, और मेरा कोई श्योर नहीं है कि मैं गाँव जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, और बाकी देखते हैं कि गाँव जाऊँगा कि नहीं। बता, वीडियो को ऐसे ही प्यार दो भाई आप, प्लीज़ आपसे जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है भाई, प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को शेयर जरूर कर देना, और अच्छा ना भी लगे ना तो भी भाई प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो प्लीज कर दो।